हेलो सांगो माने, तुम समस्तंकु एही वीडियो को स्वागत। आमे पूर्व वीडियो रे समघनर आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब विषय रे पढ़िथिले। आजी एही वीडियो रे आमे एहा उपरे आधारित मजाळिया उदाहरण देखिबा। थॉमस, माते तुमे आजे गोदाम को काय के डाकिचो? मानस, मो बापा निज व्यवसाय पई एठी 125 टी समघनाकार डब्बा रखिबागु चाहुचंती। मते बापा सेही डब्बा गुडी कर मूल्य निर्णय करिबागु कहिचंती। मु केते बेळु चेष्टा करूची किंतु मु एह जानी पेरु नाही। तुम्मे कोण मते सहाय्य करि परिबो? बिल्कुल, किंतु मु नहे गणित तुम्हारे सहाय्य करि परिबो। एहार अर्थ एहा गणित तर समय थॉमस, तुम्हें कड़ मते कहि परिबो जे ए आयताखनाकर गोदाम रा आयतन केते? गोदाम रा दैर्घ्य, प्रस्थ ओ उच्चता यथाक्रमे 40 मीटर, 20 मीटर ओ 10 मीटर। देख थॉमस, एही गोदाम आयताखनाकर एथि पई आमे एथिरे जेतिकी समघनकरर डब्बा रखि पारिबा ताहर मोट आयतन बा वॉल्यूम एही गोदामरा आयतन बा वॉल्यूम सहित समान हेबो। अच्छा, एहा हेउची आयतघनर आयतनर सूत्र जेउठी एल बी ओ एच यथाक्रमे आयतघनर दैर्घ्य, प्रस्थ ओ उच्चता। चल मु एथिरे एही आयतघनाकार गोदामर दैर्घ्य, प्रस्थ ओ उच्चतार माप लेखि शीघ्र एहार आयतघन बाहर करि नेउची। देखो मानस, गोदामर आयतन 8000 घन मीटर। तुम बापांकु एही गोदामरे 125 टी समघनाकार डब्बा रखि पारछि। आउ मु तुमको पूर्वरु कहिछि जे एही गोदामर आयतन एही समस्त समघनाकार डब्बार मोट आयतन सहित समान। एथि पई एक समघनाकार डब्बार आयतन निर्णय करबा पई आमको केवल गोदामर आयतन को 125 रे विभाजित करबा को हेबो। एही भलिया एक डब्बार आयतन हेउची 8000 विभक्त 125, 64 घन मीटर। अरे बा, एबे तो एहा बहुत सहज हेई गला। आमकु गोटे समघनाकार डब्बार आयतन जणा अछि ओ आमे एहा मध्य जानि छि जे समघनर आयतन जेउठी एल हेउची समघनर जे कोनोसी एक बाहुर माप। एबे आमे एठारे समघनर आयत स्थानरे एक डब्बार आयतन लेखि एहाकु समाधान कले आमकु समघनाकार डब्बार बाहुर मूल्य मिलिजिब। समघनाकार डब्बार बाहु गुड़िक 4 मीटर दैर्घ्य। धन्यवाद मानस, मते सहाय्य करिथिबारु। एबे चल आमे एही खेल बंद करिबा। मते बापा को डब्बार आयतन मध्य कहिबार अछि, फळरे से डब्बा तयारी करि परिबे। एही उदाहरण सहाय्य रे आमे देखिले जे किपरि समघनर आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब उपरे आधारित आमर दैनंदिन जीवनर समस्या गुडीकु समाधान करा जाई पारिबो। परवर्ती वीडियो रे आमे एहा उपरे आधारित किछि मिथ्या धारणा देखिबा।